तो चंडीगढ़ समेत पंजाब दे विच मौसम दा मिजाज कुछ सुहावना होया क्योंकि बारिश दे नाल जिथे गर्मी तो राहत मिली है उत्थे लोकां नूं सुखता सां भी आया अते आउण वाले दिनां दे विच की मौसम नूं लैके हालात रहण वाले ने संबंधी विधेरे गलबात करांगे चंडीगढ़ मौसम विभाग दे डायरैक्टर सुरेंद्र पाल साहिब नाल मौजूद ने। सर की अगे दा जिहड़ा कि मौसम है ओह रहण दी संभावना हैगी है? देखो, रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब में बढ़ेगी अब 2 से 3 दिन, और अभी आप देख रहे होंगे कि पंजाब का जो नॉर्थ पंजाब है, जम्मू के आसपास, वहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो और ये मॉनसून की जो आप देख रहे हैं क्लाउड्स ऊपर मूव भी कर रहे हैं, तो 15 और 16 तारीख में पंजाब के ज़्यादातर एरियाज में चांसेस हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी, और एक दो जगह पर नॉर्थ ईस्ट में जो हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, और उसके बाद भी बीच बीच में बारिशें रहेंगी। अब अगस्त की अगर बात करते हैं तो जुलाई से बेहतर रहेगा अगस्त, और वर्षा जो है ठीक रहेगी जी। और जो डेफिसिट है, जो कमी अब तक है, उसमें भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है रिकवरी होगी और ठीक हो जाएगा। जैसे कि पहले जी रिपोर्टा आईया सी कि 40 से 45% घट इस बार बारिश हुई है, कि लगता है कि अगस्त बारिश के नाल कमी दूर हो सकती? हाँ बिल्कुल, दूर हो जाएगी कमी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 38% के आसपास आ चुका है डेफिसिट ना, तो उसमें रिकवरी हुई है। और अगस्त में अभी आने वाले समय में भी जैसे आप देख रहे हैं कि 3rd और 4th वीक में भी बारिशें हैं, तो जो कमी थी जो हमने जुलाई में या जून में पहले वर्षा कम थी, और मुझे लगता है कि सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। तो बड़ी वजह की बनी है कि जड़ा इस बार पिछड़ के मानसून आया हैगा, बरसातें काफ़ी देरी ना पईया, जदों मानसून आखिरी पड़ा दे उपर है उदों यह जड़ा कि हुण बारिशों ने जोर फड़े, की वजह की है? देखिए, कुछ दिन जो है मानसून जो था वो उसका ज़्यादा असर पहाड़ों पे देखने को मिल रहा था। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं थी। तो मुख्य तौर पर यही था कि जो मानसून थी की हवाएं थी वो बंगाल की खाड़ी से काफ़ी कमज़ोर रही, पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिला। अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो मानसून की हवाएँ होती हैं जो फुट हिल्स में थी वो नीचे भी आ जाती हैं, उससे वर्षा थी, लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिला। तो लेकिन अभी थोड़ा सा कंडीशन बेटर हो रही है, और जो मॉनसून ट्रफ है जिसको हम कम दबाव के क्षेत्रफल बोलते हैं, जो कि मॉनसून की वर्षाएं जो है उसको देता है, वो भी थोड़ा ठीक जगह पे अपनी पे, और मुझे लगता है मॉनसून कुछ स्थिर है अब और बेहतर है, तो आने वाले समय में बारिश के चांसेस जरूर हैं, बीच बीच में जरूर बारिश रहेगी। तुसीं जिक्र कीता है कि 2 से 3 दिन इस तरह का मौसम रहिंदा, कि हैवी रेन होवेगी या फिर नॉर्मल है, कुछ अलर्ट भी कीता? ज़्यादातर तो देखिए मॉडरेट रेनफॉल है ज़्यादातर एरियाज में, लेकिन बीच बीच में हैवी रेनफॉल भी आ सकती है। मुख्य तौर पर जो पंजाब के नॉर्थ पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जो कि हिमाचल के साथ जिले लगते हैं, तो वहाँ चांसेस है कि हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसके साथ साथ में एक दो जगह पे जैसे साउथ और वेस्ट पंजाब में भी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अति भारी बारिश, ऐसे चांसेस कम है। कुछ अलर्ट भी किया गया? हाँ, येलो अलर्ट रखा हुआ है, और जैसे ही हमें लगेगा कि किसी एरिया उसमें जिले में मान लीजिए कोई ज़्यादा बारिश के चांसेस है, तो ऑरेंज अलर्ट भी रखा जाए। तो जिस तरह नाल पहाड़ों के विच बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, तो हुण जो मैदानी इलाके के विच जिन्ने भी दरिया हैगे, नदियाँ हैगियाँ, पूरे उफान पर है, इसको लेके कोई गाइडलाइंस भी की गई? देखिए, ध्यान रखने की जरूरत तो आगे बिल्कुल है, क्योंकि जो हिमाचल में वर्षा अच्छी हो रही है इस साल, मानसून काफ़ी सक्रिय है, और वहाँ से जैसे नदियाँ निकलती हैं, सतलुज है, ब्यास है, रावि है, वहाँ अच्छी बारिश है। इवन जो आपके जो घग्गर है उसका कैचमेंट हिमाचल में है, इसी तरह से यमुना का भी कुछ एरिया आता है उसमें, तो अगर ऊपर वर्षा ज़्यादा होती है तो पानी स्वाभाविक है नीचे आएगा। तो कुछ पॉइंट आउट भी किए गए ने एरिया जिथे कि वध जड़ी मार पै सकती है? ज़्यादातर तो जैसे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे घग्गर है, पटियाला किराव है, इधर अपना मारकंडा रिवर्स हैं, उधर यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पर ज़्यादा पानी आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो उसका कैचमेंट है ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल में, वहाँ से फिर पानी ज़्यादा आता है। इसी तरह से रवि और सतलुज में भी पानी, क्योंकि अभी रवि में भी आप देख रहे होंगे कि वर्षा उस तरफ हो रही है जम्मू के आसपास, तो यही ध्यान रखना है कि अगर ऊपर से पानी आता है तो नीचे आएगा, तो प्रिकॉशन यही लेनी है कि जो खड्डे हैं, नाले हैं या नदियां हैं, उनके बैंक में, उनके किनारे पे ना जाएं, और रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, जैसे क्योंकि कई खड्डे या नाले ऐसे होते हैं कि सूखे होते हैं लेकिन बारिश में पानी आता है, तो ऐसा रिस्क ना उठाएं कि पानी कम है हम निकल जाएंगे, क्योंकि अचानक पानी जो है बढ़ सकता है ऊपर से, तो यही हमें सावधानी रखनी होती है मानसून में।
तो शुक्रिया। जिस तरह के नाल जिक्र किया गया कि आने वाले 2 तो 3 दिन जो कि मौसम हैगा है वह इस तरह बने रहने की संभावना, कितने नॉर्मल रेन होनी, कितने हैवी रेन की संभावना है। सो येलो अलर्ट किया गया। सो तुम भी इस मौसम विभाग की जी की है जानकारी ध्यान के रखते ही कोई अपनी जी प्लैनिंग है, जो तुम कित सफ़र करना या घरों बाहर किसी काम लिए निकलना, सो यह जानकारी ध्यान के रखते ही अपनी प्लैनिंग करो। वधेरे अपडेट लिए जुड़े रहो हमदर्द टीम का कैमरा परसन मोहन लाल परविंदर चंडीगढ़।